मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एआरजे बाइक्स। तो यार अभी मैं हूँ नाको में। कल रात को हम लोग पहुँचे थे, लगभग 6 साढ़े 6 बज गया था शाम मतलब। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ठंड लगभग कितना है, -13 डिग्री अभी यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से टैबो की ओर, काजा की ओर। तो उधर तो यार और ज़्यादा है, उधर -21 डिग्री है। तो भाई हालत ख़राब हो रही है अभी, यहाँ से ही हालत ख़राब है। रात को एक तो सांस भी चढ़ जा रही थी, सो रहा था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप पहली बार इधर मतलब फर्स्ट टाइम पहाड़ों में आओ अचानक से, तो ऐसा होता है, स्वाभाविक सी बात। अगर यहाँ रहते रहते आपका वो बॉडी एडजस्ट हो जाता है। तो आप अगर करना चाहो विंटर स्पीति तो ज़रूर आ सकते हो। आप जनवरी लास्ट से लेके फरवरी तक में आप करोगे ना, तो ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा, सर्वाइवल टाइप वाला सीरीज बन जाएगा। और क्या, बाकी अब नज़ारे यहाँ के देखो, ये देखो यहाँ के हिमालय पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है अभी। तो और यहाँ पे देखो भाई, पता है यहाँ पे नाको में सारा कुछ बंद है, क्योंकि सारे लोग चले जाते हैं यहाँ से, जहाँ पे उनका गांव वगैरह या जहाँ पे उनका ठिकाना होता है वहाँ पे। सोने में मज़ा आया रात में। और ये रहे सौरभ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई जो रामपुर के बाद रास्ता आया था ना, हाँ उस रास्ते ने ये कर दिया था कि हाँ वर्थ इट है आना। लेकिन उसके बाद लास्ट के अभी जो 20 किलोमीटर निकाले हैं ना हमने वैली के, मैं नीचे मैंने देखा भी नहीं भाई, रोड से बस 10 मीटर आके देख रहा था। हाँ देख लेता तो मेरी बाइक भी नीचे ही जाती थी, भयंकर था यार। और रात में सांस का कैसा रहा? सारी रात मुंह खोल के सोया हूँ मैं, सांस आ ही नहीं रहा था, सांस आ नहीं रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। जबकि हम लोगों ने देखो यहाँ पे एक ये बिछाया है, इसके नीचे दो दो कंबल बिछा के फिर ऊपर में ओढ़ा है, दो दो कंबल ऊपर, मतलब इतना सारा कुछ ओढ़ के तब जाकर। और देखो यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है, हीटर भी काम नहीं कर रहा था यार, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। सौरभ एक बार सेल्फ मार। तो भाई ठंड इतना ज़्यादा है कि इसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। हो जा भाई, नहीं हो रहा, रुक जा थोड़ा सा। और देखो मेरे गाड़ी में क्या हुआ है। ये देखो, ये क्लच ही नहीं दब रहा है, देखो दब ही नहीं रहा भाई। और अभी तो लॉक भी नहीं खोल रहा था, देखो इसमें अभी ये चैन क्लीनर डाला हूँ तब जाके ऐसे खुल रहा है। तो बहुत दिक्कत हो गया है। अब मैं देखता हूँ स्टार्ट करके वन सेल्फ में स्टार्ट होता है कि नहीं। ओ भाई, हो जाना भाई स्टार्ट। ओ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा यार, हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा रुक जाओ, धूप में गर्म होने दो, हो जाएगा स्टार्ट, थोड़ा सा धूप में रखना पड़ेगा। ये फाइनली स्टार्ट हो चुका है बहुत ही मेहनत के बाद, और स्लिप भी कर रहा है यहाँ पे। और देखो ये भैया मिले हैं, तो बताइए कहाँ से आप? झारखंड डिस्ट्रिक्ट गुमला। डिस्ट्रिक्ट गुमला, बताओ। मैं यहीं पे रुका हुआ था और ये मिले अपने शहर के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका नाम और एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग कोई देखे तो आए तो यहाँ पे रुक जाए। मनीष मिंज। और होटल रियो पुरगिल। रियो पुरगिल। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, प्राइस वगैरह तो एक बार आप ही बता दीजिए। गूगल में आप सर्च कर लीजिए होटल रियोपुर गिल, उसमें प्राइस सारे आ जाएंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा भैया, रात को चिकन चावल खिलाएं देसी स्टाइल में, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ओके भैया, वहीं जा रहा हूँ, पैदल। चलिए चलो, गाड़ी स्टार्ट हो गई एक बार। जय बजरंग, जय श्री राम। एक नंबर है आपका, सेव कर लेंगे हम, ठीक है? मिलते हैं फिर, रांची आइएगा तो बताइएगा, ठीक है? भाई साहब ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताऊँ, -डिग्री में है यार। ये देखो, ये है नाको का लेक जो कि पूरा फ्रोजन होके रखा है, पूरा वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको वो लेक है। और ठंड अच्छा खासा लग रहा है यहाँ पे,
और बर्फ देखो पूरा यहाँ पे जमा हुआ है, काफी दिन का भी फ्रेश स्नो नहीं, पूरा पूरा ठंडा है भाई, हीट ही नहीं हो रहा है मेरा पैर। मैं मजाक नहीं कर रहा, पसीने आ रहे मेरे को, मेरे को तो ठंड लग रहा है यार। तूने वो पहन रखा है ना माइनस डिग्री वाला ये जैकेट, तो चलो हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। इतना ही देखना था एक बार नाको का फ्रोजन लेक तो देख लिया, बाकी चलते हैं। देखो हम लोग डाकू बन के घूम रहे हैं, लाइफ में दूसरी बार चल रहा है, मैं तो बहुत बार चला हूँ यार। निकल चुका हूँ और निकल रहा हूँ काजा की ओर, टैबो की ओर। अभी टैबो आएगा पहले, उससे भी पहले सुमडो आएगा, फिर टैबो आएगा, उसके बाद फिर काजा आएगा। तो यार बहुत ही एक्साइटमेंट भरा राइड है ये, क्योंकि विंटर स्पीति है ये, सर्वाइवर सीरीज जो चल रही है मेरी। ये शायद हम लोग का डे 4 है आज दोनों लोग। ये देखो हिमालय कितना प्यारा लग रहा है, वाह ऐसे नज़ारे हर जगह नहीं दिखते भाई साहब, इसीलिए कभी टाइम हो तो एक बार ज़रूर आओ पहाड़ों में, इन पहाड़ों से आपको प्यार हो जाएगा, ये मेरा एक दावा है आपसे। ठंड तो लगेगा, वो तो भाई उतना सर्वाइव करना पड़ेगा, बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही सीन है इसमें कि भाई ठंड झेलो और ऐसा नज़ारा देखो। वैसे तो ठंड अभी उतना पहन लिया हूँ तो लग नहीं रहा, बस मेरे पैरों में लग रहा है, क्योंकि पता नहीं जूता यार गर्म नहीं कर पा रहा। हो रोड भी साफ कर रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। काजा के लिए यही रास्ता है ना, वो वाला ना, ये वाला है ना काजा का सीधा। अरे यार बहुत चढ़ाई कब आएगी काजा के लिए, काजा के लिए यही रास्ता है। ऑफ रोड मिल चुका है, और स्पीति और ऑफ रोड ना मिले तो फिर क्या ही फायदा यार स्पीति आने का। यार झारखंड के लोग बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है, झारखंड के लोगों ने कब्जा कर रखा है पहाड़ों में। ओह भाई साहब इन पहाड़ों में सांस जल्दी चढ़ जाती है यार। सब दुमका से ही है, नेपाल से भी है, ये भी नेपाल से है, ये नेपाल, ये बंगाल का है, बंगाल से। केमन अच्छे भालो, तो आप कहाँ से हैं? दुमका जिला। अरे हम रांची जिला से हैं। आप भी नेपाल? अरे नेपाल दादा कैसे हैं? बढ़िया। अरे बहुत अच्छा लगता है इधर आए, उधर ऊपर में भी सब मिला जो सब दुमका का ही था, वो सब आगे भी और जहाँ रांची खास का है ना, ताके मिलते नहीं, रांची से लालपुर रामपुर। और यार रास्ता तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 5 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ता है। ओह शिट शिट शिट, धीरे धीरे भाई, पत्थर है बड़ा बड़ा, कैमरा में आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन भाई यहाँ पे तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। शिट, ओ नो नो नो, और टायर भी मेरा रेडियल है ना, तो थोड़ा सा वो साथ नहीं देता, यही होता है रैल्को का ऑफ रोडिंग। टायर में मज़ा है ऑफ रोड करने में, लेकिन वही है रोड में मज़ा नहीं आता। ओह अब जाके थोड़ा ठीक है रास्ता। ये वाला नज़ारा देखो यार, कितना खतरनाक लग रहा है, एकदम लग रहा है कुछ ऐसे मुंह से खोल के खा जाएगा वैसा लग रहा है देखने में। ओए होए होए होए, बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये वाला नज़ारा, बहुत ही खतरनाक। तो सुमडो पहुंच चुका हूं मैं, इधर जा रहा था, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है स्पीति वैली के लिए, काजा टैबो के लिए इधर जाना है। स्पीति वैली की एक ख़ास बात यह है कि देखो अब जब सुमडो से आप क्रॉस कर जाओगे ना, उसके बाद रोड एकदम पतली हो जाती है और पहाड़ देखो एकदम बड़ा सा हो जाता है, पत्थर वाला, लगेगा कि गिर जाएगा नीचे।
और भाई लेफ्ट साइड में आपके इतने मतलब सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो डायरेक्ट स्पीति रिवर में, ये जो बह रहा है वो स्पीति रिवर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान संभल के चलाना इधर आने के बाद, क्योंकि यार ये बहुत ही रिस्की है रोड भी, और पत्थरों को देखोगे तो लगेगा गिर जाएगा, अभी नीचे ही गिरेगा ऐसे ही लगता है देखने में, थोड़ा सा डरावना है, बट हमेशा आप संभल के यहाँ पे चलना स्पीति वैली में, तो ये मेरा सजेशन है। तो बहुत देरों के बाद ऐसा ऑफ रोड मिला है, और भैया ये हैं बनारस से, तो ये भी हम लोग के साथ ही चल रहे हैं, मिल गए रास्ते में हम लोग, और एक भैया हैं वो देवघर से हैं, तो अपने झारखंड के लोग बहुत लोग मिल रहे हैं, ये सब पूरा एडवेंचरिंग करके आ रहा है भाई साहब, एंडेवर, ओ भाई एक से एक गाड़ी आ रहा है, तो लग रहा है पूरा गड्ढा में दौड़ाते जा रहा है, ओ ओ, ओ आराम से भाई, पूरा रेंज में चला रहा है ये लोग, बहुत सारी गाड़ियां, ओह ओह थार थार थार, ओ माय गॉड कितनी सारी गाड़ियां हैं यार। वो पहुंच चुका हूं, तो वो मॉनेस्ट्री दिख रहा है वहां पे जा रहे हैं सामने से, अब इतना दूर आए यार तो मॉनेस्ट्री कैसे छोड़ दे, तो मॉनेस्ट्री भी जाना जरूरी है, और ऑफ रोडिंग करते हुए पूरा ऊपर पत्थरों के बीच, ओ ओ ओ, ओ भाई साहब ओ माय गॉड, होगा अभी 10-12 मोड़ है, आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर, ओके जी थैंक यू। आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से? हाँ। आप? पंजाब से, मैं जॉब दिल्ली करता हूँ आपकी गुड़गांव। अच्छा घटौरनी में, अच्छा वो गुड़गांव के पास ही है, ओके जी। ऐसे रास्तों में चलाने में हालत खराब हो जाती है, ऊपर से जब इतने आप हाई एल्टीट्यूड में हो तो और ज़्यादा, ओ भाई पत्थर टकरा रही है गाड़ियों से, ओ भाई साहब, ये सब मैं चलाने के लिए रेलको का टायर चाहिए, ऑफ रोड टायर, तभी मज़ा आएगा। ओ भाई स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चढ़ाई इतना ज़्यादा है कि मॉनेस्ट्री पहुंच ही गए, ओह शिट पैर स्लिप कर गया था, और ये लो जी मॉनेस्ट्री पहुंच गए हैं, मस्त वाव। तो गाइस यहाँ पे टाइबो का मॉनेस्ट्री में हम लोग पहुंच चुके हैं, इसका मेरे को नहीं पता है, तो आप अपना जान लेना कि टैबो में है, थोड़ा सा से 1.5 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके आना पड़ता है ऊपर, थोड़ा सा सांसें भी चढ़ रही है, और ये देखो मॉनेस्ट्री बहुत ही प्यारा लग रहा है, और हिमालय के सामने है नज़ारा, ये देखो, और भैया मिले हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित सिंह है। अमित सिंह है, और ये देवघर से है। देवघर से, और मैं रांची से हूँ, तो हम लोग रैंडमली मिले तो बहुत अच्छा लगा मिलकर भैया। देवघर में एक बार गया हूँ। अच्छा? हाँ मतलब वही बाबा का दर्शन करने एक बार गया हूँ। और ये रहा भाई, कौन है ये? सौरभ भाई। सोच रहा हूँ हाँ थोड़ा पिकअप लेके आया ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि नाको से लेके टैबो तक इतना लंबा हो जाएगा वीडियो कि इतना लंबा अपन डाल नहीं सकते, इसीलिए वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।
कैसा लग रहा है यहाँ तक आने का? अभी वर्थ इट लग रहा है। कल ना को पहुँचते पहुँचते जो हाइट का फोबिया है मेरा, हाँ, इसलिए तो ये कर दिया था कि भाई मैं वापस जा रहा हूँ। ओके, और आपके हिसाब से भैया आप लोग आओ, हाँ, अल्टीमेट जगह है ना, बिल्कुल। चलो गाइस, इसी नोट पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे जो कि काजा के लिए है, टावर टू काजा। तो चलो मिलते हैं आगे, बाय बाय, टाटा। ओह ओह भाई साहब, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। नस बढ़ते जा रही है, इसीलिए पूरा रास्ता भी जितना पानी है ना सब जमते जा रहा है धीरे धीरे।